आप देखिए डिस्कशन हो गया, दर्शन हो गया लोगों का। भैया उसे हम बेस बताते हैं, 2005-06 के बाद से जो है JRF का पैसा जो कि मेरिट में बच्चे ऊपर रहते हैं 8,000 था, और जो नेट क्वालिफाइड बच्चे थोड़ा मेरिट में लो रहते थे उनको 5,000 था। ये जो है सर 8,000 से 12,000 हो गया उनका, 8,000 कांग्रेस की सरकार में, 12,800 कांग्रेस दे के गई थी, 12 JRF 8,000 नेट। उसके बाद से 12-16 हुआ, 21 हुआ, 25 हुआ, 36 हो गया, आज 40,000 है, लेकिन वो 8 पे 8 मेरिट के हुए। उसी प्रपोर्शन सर, सुप्रभात। एक बात दो तीन बदलाव हमें बताइए जो यहाँ पे जरूरी है। अरे सबसे बड़ा जरूरी तो ये कि गुजराती भगाओ यहाँ से, यहाँ पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है सारा, सब कुछ BHU से लेकर सारे के सारे लोग पूरे के पूरे यहाँ बैठे पड़े हैं, पूरे कब्जा कर रखा है, RSS ने कब्जा कर रखा है यहाँ BHU के अंदर, संघ ने पूरे के पूरे BHU को बर्बाद कर दिया। आप देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, न पढ़ाई हो रही है, अभी मैं मैदान में गया था पूरा मैदान सूख रहा है, कहीं ग्रीनरी नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, यहाँ पे अस्पताल में ICU नहीं है, 36 बेड है। और ओम भी करिए, ओम शंकर सर शायद बिल्कुल ओम शंकर संघ के साथ अत्याचार कर रहे हैं ये BHU के लोग, सरकार इस पे तत्काल मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट निश्चित तौर से उनको तत्काल जो चाहते हैं उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो मामला आम जनता का हित का है, ओम शंकर की बात को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल उस पर उनको बिड देना चाहिए। धन्यवाद। आप देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है, एक ही साइकिल पे कई लोग, एक तरफ कांग्रेस है, ये आपको दिख रहा आम आदमी पार्टी, ठीक है, क्योंकि पीछे से झाड़ू से साफ करते हुए फिर समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये कौन सी पार्टी भाई बताएं जरा, CPI, बहुत बढ़िया। और देखिए मजेदार बात है कि मालवीय जी को भी बैठाया है, ये अच्छा लग रहा है कि मालवीय जी के परिसर में मालवीय जी घूमते हुए इन सभी के साथ साथ, जय मालवीय जी, महामना की जय हो। और ये माननीय अजय राय जी का घोषणा पत्र है, आज पूरे देश में युवा और हाँ जरा बोलो परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा मुझे ठीक है, परिवर्तन तो होगा, वक्त के साथ परिवर्तन होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर बदलाव हो तो क्या क्या सुधार होने करना है, मुझे इस पे बताइए क्या क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग अगर युवा हैं, हम लोग जिस प्रकार नहीं वो चीज़ नहीं, पॉइंट बताइए कि क्या क्या सुधार करना है। जैसे बनारस में देखो, हमें अगर मैं BHU के छात्र होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि जो लाइब्रेरी के अंदर 5,000 किताबें आती थी, अब उनको हम लोगों 8,000-10,000 किताबें करनी, दुगनी किताबें हमको लाइब्रेरी। अच्छा, क्यों नहीं 1,00,000 किताबें है ना, देखिए पहले यही तो है, पहले 3,000 किताबें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप टारगेट जो है 5,000 किताबें आती थी उनको घटाकर 3,000 कर दी है, हमको उनकी संख्या बढ़ाना है। BHU के अंदर जो फीस लगातार वृद्धि हो रही है, तो लगातार तमाम कोर्स खत्म, बिना बताए किसी को, मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम ये खत्म कर रहे हैं, हम लोगों से कम्युनिकेशन करने को तैयार नहीं है। वाइस चांसलर उनसे मिलने जाते तो मिलने को वो तैयार नहीं है छात्रों से, तो इस प्रकार की तानाशाही चल रही है। हम वो हमारे से बदलना है, अगर हम लोगों से मिलेगा, हमारी बात सुनेंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा एक स्टूडेंट और टीचर के। और क्या क्या बनारस में, और क्या क्या सुधार चाह रहे हो बनारस में? जो बनारसी संस्कृति है उसको बचाने की लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तमाम लोग जो जैसे जिस प्रकार से मोदी जी ने घाटों की वास्तव में उनका विनिर्माणीकरण किया है, वो अच्छी बात है कि उन्होंने घाटों पर साफ सफाई होने, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन कार्यकर्ताओं में हो जो दोनों पक्ष को, ठीक है, जो अच्छा पक्ष है उसे स्वीकार कर रहे हो, सामने आपको दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में जो बुनियादी मुद्दा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है, मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये चलिए हाँ हाँ जानता हूँ। और दूसरी बात, जिस प्रकार से BHU के अंदर एक लगातार आज 12 दिन से एक आमरण, डॉक्टर ओम शंकर सर है वो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, उसके किस मुद्दे पे बैठे हैं वो? अपने विभागों में जो बेडों को लेके बैठे हैं, उनके जो विभाग में जो मोदी जी ने जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोले थे हर अस्पताल में, तो BHU के अंदर भी खोले थे, तो उसमें जो बेडों की उपलब्धता थी उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। हम लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुने और गांधीवादी तरीके से समझा, ठीक है। नमस्कार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखिए कुछ नेताओं का जन जागरूकता के अभियान हेतु चीज़ें व्यवस्थित हैं।